Today we have had a meeting with the Honorable Home Minister of India, Mr. Amit Shah, and in the meeting we have discussed the problems of the indigenous people of Tripura. We have also met and proposed our demands before, and the Honorable Home Minister has kindly agreed to look into the problems of the indigenous people of Tripura and start a constitutional solution for our problems. He has also assured myself, my party president, or my MLAs that there will be a constitutional solution to our problem, and he will be appointing through the government of India an interlocutor in the next 2-3 days. And this constitutional solution for our problems of the indigenous people of Tripura will be within a time frame. मैं ये बात हिंदी में बोल देता हूं. आज मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी से हुआ, और अमित शाह जी से अच्छा मीटिंग हुआ, बहुत लंबा मीटिंग हुआ. उनको हमारा प्रॉब्लम के बारे जानकारी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो अगले 2 या 3 दिन के अंदर हमारे तिपरासा लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के लिए एक इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट करेंगे, जैसे यही इंटरलॉक्यूटर नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही ईस्टर्न नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही अ सिमिलर अरेंजमेंट विल बी डन टू सॉल्व द लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा. वी थैंक हिम फॉर लिसनिंग टू अस एंड वी थैंक हिम फॉर एक्सेप्टिंग दैट देर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा, और उसका सोल्यूशन, संवैधानिक सोल्यूशन, जल्द से जल्द एक टाइम फ्रेम के अंदर वो करेंगे. ये बात आज हमारा हुआ है. आई थैंक द होम मिनिस्टर कि उन्होंने हमें समय दिया, हमारा हमसे बात की, और ये जो आज बात हुआ है इसका पॉजिटिव आउटकम है कि एक इंटरलॉक्यूटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट होगा अंडर होम मिनिस्ट्री, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन का प्रॉब्लम का इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक सोल्यूशन निकालकर हम आएंगे. ये मैं आपको खबर करना चाह रहा था. अगर आपके पास 2 या 3 सवाल है तो मैं जवाब दे दूंगा, अदरवाइज आई वुड लाइक टू कीप दिस एज शॉर्ट एंड ब्रीफ एज पॉसिबल. वन क्वेश्चन, इज योर पार्टी जॉइनिंग द बीजेपी? ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, एनी रिटन एश्योरेंसेस केम फ्रॉम द? थर्ड क्वेश्चन, तो अगर सोल्यूशन के बारे में पूछ गया है कोई जो पूछ. ठीक, ऑप्शन में रहेंगे आप? ठीक, आपने चार, मैं तभी भी बोल दे रहा हूं. सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑफिशियली अपॉइंट एन इंटरलॉक्यूटर विच टू लुक इन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ऑफ आर प्रॉब्लम्स. सो इट इज इन राइटिंग, इट इज इन राइटिंग, बिकॉज ऑफिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट एन इंटरलॉक्यूटर फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन. सो ये राइटिंग में है. सेकेंड है, आपने कहा कि क्या मैं गवर्नमेंट में बैठ रहा हूं? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग कैबिनेट में नहीं बैठेंगे. हम चाहते हैं कि इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हो, उसके बाद ही हम विचार करेंगे. लेकिन ये बात 3 या 4 लोगों को मिनिस्टर बनाने का नहीं है, ये बात 13 से 14 लाख तिपरासा को सोल्यूशन देने का है. तो नहीं, जब तक ये सोल्यूशन नहीं आएगा हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे. और तीसरा क्वेश्चन था आपका, ये पॉइंट्स जो है ये इंटरलॉक्यूटर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे. एक पॉइंट नहीं होगा, बहुत पॉइंट्स होगा, और जो भी पॉइंट्स होगा ट्रांसपेरेंट होगा, पब्लिक के नॉलेज में होगा, और पब्लिक के बेनिफिट के लिए होगा, स्टेट के बेनिफिट के लिए होगा, और किसी के अगेंस्ट भी नहीं होगा. मैं फिर से, ये आपने कहा 3 सवाल था, मैंने क्लियर ऑनेस्ट डायरेक्ट जवाब दे दिया है आपको. हम पब्लिक का विश्वास से आए हैं, हम पब्लिक का विश्वास को रखना चाहते हैं, और हम अपना बारे बात नहीं करना चाहते हैं. पहले उनका समस्या का हल हो जाए, उसके बाद हम पॉलिटिकल, अपना पॉलिटिकल बात करेंगे. फर्स्ट
The people should be happy, the people should get what they want, and people's problems should be solved. So we are not discussing any personal cabinet portfolios or any government understanding. We are talking for the people's problem. I thank the Home Minister, I thank the Chief Minister who was present, and all the other leaders who are present for this meeting. And I think jaisa Eastern Nagaland mein jo problem ka solution ka baat nikla hai, वैसे ही त्रिपुरा में अब निकलेगा. एंड ये विल बी, आप देखिए पहले से बहुत अलग है. जब आईपीएफटी के संग अंडरस्टैंडिंग हुआ था, कमिटी बना था, ये कमिटी नहीं है. ये अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड त्रिपुरा मोथा है. ये कमिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है. और ये जो अंडरस्टैंडिंग होगा, कोई टू पोलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा मोथा और हमारे समाजपति के साथ होगा. तो ये बात क्लियर है. और इसी बात को मैं सामने रखकर, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी इन द मीडिया. आई अपील टू एवरीवन दैट काइंडली यू हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले. देर शुड बी नो सेंसेशनलिज्म ऑफ दिस न्यूज. वी हैव अचीव्ड अ लॉट, वी हैव अचीव्ड इट विद पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स, एंड वी वुड लाइक त्रिपुरा टू रिमेन पीसफुल एंड एज डेमोक्रेटिक एज पॉसिबल. थैंक यू. मैंने बोला था तीन सवाल, मैंने तीन सवाल का जवाब दे दिया. थैंक यू. समाजपति भी इन्वॉल्व होंगे. वील टेक ऑल सिविल सोसाइटी इनटू कंसीडरेशन. हाँ, थैंक यू.